हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फूड फॉरएवर। आज हम देखेंगे कि सूजी के वड़े यानी कि रवा वड़ा कैसे बनाया जाता है। ये बेसिकली एक नाश्ते की रेसिपी है जिसे बनाना बहुत ही सिंपल है। तो चलिए देखते हैं रवा वड़ा कैसे बनाया जाता है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए रोज़ नए नए फूड रेसिपीज वीडियोस लेकर आता रहूँगा। तो चलिए देखते हैं रवा वड़ा बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। एक कप रवा यानी कि सूजी, इसे हम सेमोलिना भी कहते हैं। फिर हमें चाहिए 3 टेबलस्पून राइस फ्लार, 1 चॉप किया हुआ ओनियन, 1/4 कप कर्ड यानी कि दही, थोड़े से कड़ी पत्ता यानी कि करी लीव्स, 3 टेबलस्पून कोरिएंडर लीव्स यानी कि धनिया, 1 टेबलस्पून ग्रीन चिली पेस्ट, 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट, 1/2 टीस्पून क्यूमिन सीड यानी कि जीरा और स्वाद अनुसार नमक। तो पहले मैं एक बाउल में 1 कप सूजी यानी कि सेमोलिना, 3 टेबलस्पून राइस फ्लार, 1 चॉप किया हुआ ओनियन, 1 टेबलस्पून ग्रीन चिली पेस्ट, 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट, 1/2 टीस्पून क्यूमिन सीड यानी कि जीरा, थोड़े से कड़ी पत्ता यानी कि करी लीव्स। कड़ी पत्ता को हमें ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके ऐड करना होगा। फिर हम इसमें 3 टेबलस्पून कोरिएंडर लीव्स यानी कि धनिया, स्वाद अनुसार नमक और 1/4 कप दही ऐड करके इसे हम मिक्स कर लेते हैं। दही को मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रहा हूँ, तो टोटल यहाँ पर मैंने 1/4 कप दही यूज़ किया हुआ है। अब हमें इसमें अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 टेबलस्पून जितना पानी ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स और मैश कर लेना होगा। ये देखिए हमारा स्टफिंग बन गया, रेडी हो चुका है। तब हम इसे कवर कर लेते हैं और इसे हमें 15 से 20 मिनट तक रेस्ट होने देना होगा। 15 से 20 मिनट हो चुकी है, तब हम हाथों में थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करके इसमें से वड़ा बना लेते हैं। अब वड़े की साइज अपने पसंद अनुसार बड़ी या छोटी रख सकते हो। तो इसे हमें रोल करने के बाद फ्लैट बना लेना होगा और फिर हम इसके बीच में एक होल बना लेते हैं। ये देखिए वड़ा बन के रेडी हो चुका है, तो इसी तरह हमें बाकी के वड़े को भी रेडी कर लेना होगा। सारे वड़े बनके रेडी हो चुके हैं, तब हम इन्हें फ्राई कर लेना होगा। तो जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। इसमें हम तकरीबन 3 से 4 वड़े फ्राई कर सकते हैं और इसे हमें स्लो फ्लेम पे फ्राई करना होगा, क्योंकि स्लो फ्लेम पे फ्राई करने से ये काफ़ी क्रिस्पी बनते हैं। और इसे हमें बीच से फ्लिप करते रहना होगा। वड़ा को हमें तब तक फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। ये देखिए वड़ा अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तब वो मैंने बाहर निकाल लेते हैं। इसे हमें टिश्यू पेपर या एब्जॉर्बिंग पेपर पर निकाल लेना होगा ताकि सारा एक्सेस ऑयल एब्जॉर्ब हो जाए। तो लीजिए रवा वड़ा रेडी है। इसी तरह हम बाकी के वड़े को भी फ्राई कर लेते हैं। तो लीजिए रवा के वड़े यानी कि सूजी के वड़े रेडी है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।